एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एमएसएस शुक्लाज वर्ल्ड। आज मनाली ट्रिप डे टू की ब्लॉग आ चुकी है और स्टार्ट करते हैं अपने ब्रेकफास्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मिस्टर शुक्ला की ब्रेकफास्ट आ चुकी है। आज इन्हें मिला है पनीर पराठा विद कर्ड और स्पेशली इनके लिए आता है नो अनियन गार्लिक वाला, तो वो आ चुका है। अब मेरी बारी, अब मैं भी करती हूँ ब्रेकफास्ट और फटाफट करके निकलते हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एमएसएस शुक्लाज वर्ल्ड। आज हमारी डे टू की ब्लॉग आ रही है और ये डे टू वाली ब्लॉग है और आज हम निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं भैया आज हम लोग? सोलांग वैली। सोलांग वैली और अटल टनल भी जाएंगे। स्नो देख के आएंगे। स्नो देख के आएंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे, ढेर सारे, और आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे वीडियो पे एंड तक बने रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और हमारी जो आज की जो ब्लॉग होती है स्टार्ट होती है अभी से, चलते आगे और फिर आपको। रास्ते की व्यू इतनी प्यारी है ना कि मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि ये कितना सुंदर है। आप देख के समझ सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली वाइब आ रही थी यहाँ पे। मिस्टर शुक्ला ने बताया कि आज हम जाने वाले हैं स्नो के पास और ढेर सारी मस्ती करेंगे वहाँ पे। तो वहाँ जाने से पहले हमें प्रिपेयर हो जाना पड़ेगा, यहाँ के ड्रेसेस को लेने पड़ेंगे और साथ में हमें बूट्स भी लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहुँचे और अभी हम करेंगे चेंज और चेंज करने के बाद फिर वहाँ पे निकलेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मिस्टर शुक्ला जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। सो ये रेडी हो चुके हैं और फिर निकलते हैं। फिर मेरी बारी है, मैं भी रेडी हो जाती हूँ और फटाफट वहाँ के लिए निकलते हैं और फिर वहाँ के जितने भी अच्छी वाली ग्लिम्स होगी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भैया का शॉप नंबर जो है वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, शॉप नंबर 325। और यहाँ पे आपको ड्रेसेस के चार्जेस भी देखने को मिल जाएंगे। हम लोग हैं तैयार इस चीज के लिए, आइस से लड़ने के लिए। हम जा रहे हैं स्नो के साथ खेलने। तो चलते हैं सोलांग वैली और वहाँ मिलते हैं ढेर सारी मस्तियों के साथ। तो शुरू करते हैं। रेडी हो सोलांग वैली के लिए? हाँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। सो हम लोग अबाउट टू रीच है और जैसा कि हमने बताया था आपको कि अभी हम जा रहे हैं सोलांग वैली, बट ये अभी डिसीजन थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हुआ है। अभी हम फिलहाल जा रहे हैं अटल टनल, क्योंकि भैया ने बोला कि सोलांग वैली जो होगी वो हमारी रिटर्निंग में हम कवर करने वाले हैं उसको। तो पहले चलते हैं अटल टनल। तो आ चुके हम अटल टनल। ओ नो, यहाँ आने के बाद तो हमें ये दिखाई दिया कि यहाँ पे कहीं आइस है ही नहीं, और है अभी तो एकदम इतू सा आइस से क्या होगा हमारा। फिर भैया ने हमें ये सजेस्ट किया कि हम क्या करें कि इस टनल को क्रॉस करें। ये टनल जो है वो 9 किलोमीटर का है और इसको क्रॉस करने के बाद आएगा कोकसर, जो कि बहुत ही अच्छी व्यू वाली, आइस व्यू वाली एक्चुअली जगह है। सो अभी हम एंटर कर चुके हैं टनल के अंदर और यहाँ टनल से बाहर निकलते ही हमें बहुत अच्छी वाली व्यू आनी शुरू हो जाएगी और फिर हम पहुँचेंगे कोकसर और वहाँ इंजॉय करेंगे। तो चलते हैं आगे। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अटल टनल को, जो कि 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है
और अभी हम स्नो इस साइड मिला नहीं, इसलिए हम क्रॉस करके जा रहे हैं कॉक्सर। दूसरे साइड जो है कॉक्सर है, वहाँ पे हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा स्नो। और हमारे ड्राइवर भैया ने हमें सजेस्ट किया है कि क्रॉस करके जाइए, तो बस हम वहाँ पहुँच रहे हैं। पहुँच के आपको वहाँ की ग्लिम्प शेयर करते हैं। तो यहाँ पहुँच चुके हैं हम टनल की दूसरी साइड, और यहाँ हमें आइस दिखाई देनी शुरू हो गई। और अभी हम जाने वाले हैं कोक्सर, जस्ट अभी थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे, और वहां पहुंचने के बाद आपको शेयर करेंगे ढेर सारी मस्ती। तो हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो आ गए हम ऊपर यहाँ पे आइस के पास, और यहाँ पे देखने को मिल रही होगी आपको एक्टिविटीज़। और फिर मैंने भी सोचा कि अभी फ़िलहाल इसको अवॉइड करते हैं और चलते हैं थोड़ा आगे, और मैं भी ज़रा आइस पे बैठ के और ज़रा स्लिप कर लूँ। इसके अंदर पानी में घुस गया। अभी हम लोग हैं कहाँ, कोक्सर, और यहाँ पे बहुत अच्छी सी व्यू आ रही है, और आप देख सकते हैं यहाँ में बर्फ है जो कि मैंने अभी अभी इसको बनाया, तो ये क्रश भी कर दिया हमने। अरे मेरे अंदर गया। नीचे जाते हैं हम लोग यहाँ से, अगर वो ऐसा होता तो यहाँ अटका पड़ा था। ये देखो आप इसको मास्क करके, अब मुझे पता चला कि हमारे यहाँ गोला वाले जो चुस्की वाले भैया वो कैसे बनाते हैं, कैसे बनता है ये। हाँ बस चुस्की तो मुझे आराम से यहाँ पे, तो मैं कितने बना के खिला देती हूँ लोगों को। ये हमारे पीछे का व्यू इतना शानदार व्यू है ना। तो ये कुछ सर की व्यू है जो कि आपके सामने भाई फोन दे दे, सबसे ज्यादा मजा तो स्लिप करके मैं तो इतनी जोर की जाने वाले के लिए बन गई, वो भैया लोगों को आइडिया होता नहीं कैसे क्या करना होता है। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश भी है, सब लोग आए यहाँ पे, तो हम भी आए हैं। हमारी रील शो की वो इंस्टाग्राम आई डी पर आएगी, आप लोग वहाँ भी जा करके ढेर सारा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और आप लोग हमें प्यार तो दे ही रहे हो यूट्यूब चैनल पर, तो वैसे ही अपने प्यार को बनाए रखूँगा। मनाली से अटल टनल क्रॉस किया, अटल टनल क्रॉस करके कोक्सर आए हुए हैं। कोक्सर में बहुत सारा एंजॉय किया। हाँ एक्चुअली हमें वहाँ पे ना बहुत कम आइस दिखाई दे रही थी, तो हमने सोचा हमारे जो भैया हैं, जो ड्राइवर जो भैया हैं जो हमें रिसीव किए थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि हम यहाँ पे आए। यहाँ आने के बाद लिटरली मैं बताऊँ इतनी अच्छी व्यू है ना, कि जिसका एक्सपेक्टेशन तो हमने इस टाइम में मतलब मई के टाइम में नहीं किया था, और बहुत इन्जॉय किया हमने। हमारी फोटोग्राफी भी है, फोटो सेशन भी है, जो कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट होगी, यहाँ भी हम लोग थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स शेयर कर देंगे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे आ रही होगी, मेंशन किया है हमने, आप लोग प्लीज़ वहाँ पे जरूर। वहाँ के जो वहाँ पर ही खड़ा है
वो रोड के पास, हाँ हाँ वहाँ पे देखो वो कुदाल से उठाया, वो ऊपर से आ गया सीधे नीचे, नहीं तो कहाँ तक आया होता वो भाई। हाँ भाई लोगों का क्या कहना है। तो ये रही कुछ फोटोग्राफ्स जो हमने वहाँ पे क्लिक कराई थी। तो अब हम निकल रहे हैं सोलांग वैली और वहाँ पे आपको जाने के बाद वहाँ के जितने भी इवेंट्स होगी आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। एंड तक हमारे वीडियो में बने रहे और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बट एक बार कोकसर जरूर आइए अटल टनल को क्रॉस करके। हाँ बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. हमने बहुत अच्छा किया हम कोकसर चले गए। हाँ सच में ये हमारा अच्छा डिसीजन था, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ खास तो दिख नहीं रहा वैसे। यहाँ पे एक्टिविटीज एरिया दिखाई दे रही है, एक्टिविटीज, हाँ जिसको एक्टिविटी करनी है। तो हमें एक्टिविटी करनी नहीं है बिकॉज हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो चलते हैं हम आगे और आगे का ग्लिम्स आपको शेयर करते हैं। तब तक के लिए हमारे वीडियो में बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो उधर की करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं बोलते हैं उसको, और फिर वहाँ की तो हालत खराब हो चुकी है और यहाँ हम रुके हैं जूस लेने के लिए। थोड़ा जूस लेंगे और फिर उसके बाद एनर्जी आएगी और हम आगे बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं हम यहाँ, बट यहाँ पे हमारे दर्शन नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ मंदिर का काम चल रहा है। तो फिर हमने बाहर से दर्शन किया और फिर उसके बाद हम लोग जा रहे हैं थक हार के होटल रूम। शिवांगी जी बहुत तरीके से थक चुकी हैं, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ आ चुका है हमारा डे सेकंड का डिनर और अभी हम डिनर करते हैं और फिर रेस्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।